मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ आपदा प्रभावित व्यक्तियों को बाढ़ राहत सामग्री वितरण बाल विहार स्कूल लाल डिग्गी में किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना महामारी के साथ ही एक नई आपदा बाढ़ हम सब के सामने आई है। पिछले लगभग 15 दिनों से पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल में भारी बारिश के कारण पूर्वोत्तर के 15 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। गोरखपुर जनपद के 304 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद में 450 नावें तथा 50 स्टीमर लगाई गई हैं। इसके अतिरिक्त राहत कार्य में स्टीमर एवं नाव लगाया जा रहा है तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों को बाढ़ राहत कार्यों में लगाया गया है और समय से सभी बाढ़ पीड़ितों को राहत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। राप्ती नदी 2.5 से 3 मीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। महानगर में जल जमाव की स्थिति से निपटने के लिए नगर निगम द्वारा जल निकासी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास है कि अगले 3 दिन के अंदर ही हर पीड़ित परिवार को शासन के अनुमन्य खाद्य सामग्री पहुंच जाए। उन्होंने कहा कि हर पीड़ित परिवार को राहत मिले, इसके लिए किसी का मकान क्षतिग्रस्त होता है तो पीड़ित परिवार को 95,000 रुपए तत्काल उपलब्ध कराया जाए। नदी की धारा में जो पक्का मकान बह गया है उस व्यक्ति को तत्काल मुख्यमंत्री आवास योजना से आवास उपलब्ध कराने। जनहानि मौत होती है तो आपदा राहत मद से 4 लाख रुपए की राशि पीड़ित परिवार को तत्काल उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं। किसी किसान की आपदा से दुखद मौत होती है तो किसान के परिवार को 5 लाख मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा से आच्छादित करने के लिए आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सांप के काटने से किसी की दुखद मौत होती है तो उसे तत्काल 4 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराने। किसी पशुपालक का पालतू पशु बाढ़ की चपेट में आता है तो उन्हें तत्काल अहेतुक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि अभी से फसलों का सर्वे कर लें, किसानों की कितनी फसल क्षतिग्रस्त हुई है, उनके फसल के नुकसान के मुआवजा की राशि समय से उनके खाते में उपलब्ध कराएं। इस अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल, विधायक ग्रामीण विपिन सिंह, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद सहित अन्य गणमान्य जन मौजूद रहे। समिति 45 वो जायजा ले रहे अलग अलग जो भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अरे भाई आप थोड़ा पीछे परिवार कोई और लोग आए कैसे लेके जाएंगे? अरे ये इधर घूम जाइए। ना वो घूमा
नहीं घबरा मत भाइयों बहनों, कोरोना महामारी के साथ ही एक नई आपदा वर्तमान में हम सब के सामने आई है और वह है बाढ़। पिछले 15 दिनों से लगातार बारिश के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी और नेपाल में भी भारी बारिश के कारण लगभग 1.5 दर्जन जिलों में काफी बाढ़ आई है। मैं कल से ही बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज इन सभी जनपदों का दौरा करते हुए जनपद गोरखपुर में आया हूँ और दोपहर से ही गोरखपुर में कैंटियरगंज, जनपद कोड़िया, चकामा, चोरी चोरा, कोराबाग, बांसगांव, सैजलमा, पाली इन सभी विकास खंडों का बहुत नजदीक से दौरा करने के बाद अभी महानगर के अंदर बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करने, उसका सर्वे करने और पीड़ित परिवारों को राहत देने के लिए मैं आपके बीच में यहाँ पर महापौर जी के साथ, विधायक श्री जितेंद्र सिंह जी के साथ और कालीबाड़ी के बाबा भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर अध्यक्ष समेत इन सभी पदाधिकारियों के साथ में हम लोग यहाँ पर आए हैं। जनपद के अंदर 304 गांव बाढ़ की चपेट में आए हैं। लगभग 2.25 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ बचाव के लिए 405 नौकाओं की व्यवस्था और 50 से भी स्टीमर स्तर लगाई गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट और पर्याप्त मात्रा में पुलिस, राजस्व और विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों को बाढ़ राहत कार्य में लगाया गया है। प्रयास किया जा रहा है कि आपदा के समय में सरकार आप सबके साथ खड़ी होकर के पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री हर पीड़ित परिवार को समय से उपलब्ध करवा दे। ग्रामीण क्षेत्र में जहां राप्ती नदी का जलस्तर आपने देखा होगा, एकदम इसी तटबंध से सटकर के राप्ती नदी बहती है, लगभग 2.5 से 3 मीटर खतरे के निशान से ऊपर राप्ती नदी बह रही थी। आज से थोड़ा उसमें गिरावट आना प्रारंभ हुआ है और हम अनुमान करते हैं कि कब तक इसमें और सुधार आएगा। राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण, रोहित नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण आसपास के अन्य जो नाले हैं, नदियां हैं, इन सब का जलस्तर बढ़ने के कारण महानगर का जल यहीं पे ठहर गया। तो महानगर में भी जल भराव की भीषण समस्या खड़ी हो गई। यद्यपि नगर निगम ने पंपिंग स्टेशन के माध्यम से अतिरिक्त पंपिंग सेट लगा करके और सिंकिंग मशीन लगा करके भी महानगर की जल निकासी की व्यवस्था को व्यवस्थित करने का प्रयास किया है, लेकिन आपदा जब आती है तो हर प्रकार के संसाधन और सरकार के सामर्थ्य उसके सामने कभी कभी जवाब देती ही दिखती है। लेकिन प्रशासन भी, जनप्रतिनिधि भी सबने शासन की मनसा के अनुरूप कि हम लोग हिम्मत से काम लेंगे, जनता जनार्दन के सुख दुख में सहभागी बनेंगे और हर प्रकार का राहत उन्हें उपलब्ध कराएंगे। इस संकल्प का परिणाम है कि इसमें अब राहत देने की स्थिति काफी तेजी के साथ बढ़ रही है। हर पीड़ित परिवार को पहले चरण में राहत सामग्री के रूप में 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, सूखा भुजा चना, भुना चना, दाल 2 किलो, रिफाइंड तेल, नमक, मसाले
डीएसआई प्लास्टिक ये सभी आवश्यक सामग्री को उसे उपलब्ध करवाने का प्रयास किया ही जा रहा है। साथ साथ ये भी प्रयास किया जा रहा है कि पेयजल की व्यवस्था के लिए भी उनके लिए कुछ पुख्ता व्यवस्था हो। जहाँ पर अभी उसकी समस्या आ रही है वहाँ पर क्लोरीन की टैबलेट दी जा रही है। इस सीजन में अक्सर सांप बिच्छू जंगली जानवर अन्य विषैले जीवों आवाज कुत्तों के काटने की शिकायतें भी मिलती हैं। इसके बचाव के लिए एंटी स्नेक वेनम और साथ साथ एंटी रैबिज वैक्सीन भी पर्याप्त मात्रा में हर जनपद में भेजे गए हैं। प्रयास किया जा रहा है कि कहीं भी किसी चीज की कमी न होने पाए, हर प्रकार से पर्याप्त संसाधन और धनराशि हर एक जनपद को उपलब्ध कराया गया है और जिला प्रशासन को इसके बारे में कि वह जन प्रतिनिधियों के साथ मिलकर के हर पीड़ित के साथ खड़े हों। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी अपना काम कर रही है, मेडिसिन की वितरण की कार्रवाई हो, क्लोरीन की टैबलेट या फिर जहां पर जल की समस्या है, जल भराव या जल जमाव की समस्या है, वहां पर डायरिया आदि से बचाव के लिए ORS घोल भी सभी पीड़ित परिवारों को उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। ORS के पैकेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बाढ़ या किसी आपदा के कारण किसी व्यक्ति की दुखद मृत्यु पर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही यह भी व्यवस्था की गई है कि अगर किसी का मकान नदी की चपेट में आता है उसे मुख्यमंत्री आवास योजना में नया आवास उपलब्ध कराने, किसी का मकान क्षतिग्रस्त होता है, पक्का मकान है, 95,000 रुपए की राशि तत्काल उसे उपलब्ध करवाने, कच्चा मकान है आंशिक क्षतिग्रस्त होता है उसे भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने, पशुधन की हानि पर भी भैंस है, गाय है, बकरी, मुर्गी इन सब के लिए भी धनराशि का प्रावधान किया गया है। हर एक व्यक्ति को उसकी सहायता उपलब्ध हो सके इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। बाढ़ बचाव बाढ़ की राहत को व्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए जहां पूरे प्रयास किए जा रहे हैं उससे बाढ़ के बाद भी तमाम आशंकाएं होती हैं बीमारियों की, उन बीमारियों से बचाव के लिए सरकार के स्तर पर कल से एक विशेष अभियान चल रहा है जो 1 सप्ताह तक चलेगा, 5 सितंबर से 12 सितंबर तक। इसमें स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग, छिड़काव और साथ साथ शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कैसे हो या वहां पर क्लोरीन की टैबलेट बांटने की व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग की टीम जैसे निगरानी समितियां गाँव गाँव घर घर जाकर के मोहल्ला मोहल्ला जाकर के स्क्रीनिंग करके हर पीड़ित को राहत देने का कार्य कर रही थी, ऐसे ही इसमें भी एक व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है कि कार्यक्रम लगातार चले जिससे डेंगू, इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, चिकनगुनिया, कालाजार जैसी तमाम अन्य बीमारियों से बचाया जा सके। सभी लोग सावधानी रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें, ये प्रयास किया जा रहा है। सरकार ने अपने स्तर पर सभी तटबंधों की मरम्मत, उनके रख रखाव की पूरी व्यवस्था की। आपने देखा होगा, मैं मानता हूं कि लगभग 50 वर्ष के बाद इतना पानी नदियों में आया है। राप्ती नदी 2.5 से 3 मीटर खतरे के निशान से ऊपर बहे और तटबंध सभी सुरक्षित रहे, इस समय से किए गए कार्यों का परिणाम है। दूसरा, प्रशासन ने समय रहते सभी उपाय किए, खासतौर पर जहां पर सीकेज हो रहे थे, जल बहाव की स्थिति चल रही थी, वहां पर समय रहते बचाव के उपाय कर दिए जिससे इसकी भीषण त्रासदि में जनधन की हानि को रोका जा सके। हम सब मिलकर के इस आपदा का सामना करते हुए हर पीड़ित परिवार तक राहत सामग्री पहुंचाएं, ये मंशा है। प्रशासन को स्पष्ट कर दिया गया कि अगले 3-4 दिन तक हर पीड़ित परिवार तक राहत सामग्री पहुंच जाए। जो लोग बेघर हो चुके हैं या अपने घरों से जिनको बाहर आना पड़ा है उनके लिए कम्युनिटी किचन या सामुदायिक किचन के माध्यम से उनके लिए भोजन उपलब्ध करवाया जाए, भोजन के पैकेट उपलब्ध करवाए जाए,
बसों के लिए भी चारे की व्यवस्था की जाए, दवा की व्यवस्था की जाए, कोई भी अपने आप को असहाय महसूस न करे, इस प्रकार के लिए सरकार ने पूरे पुख्ता व्यवस्था की है। और इसीलिए आज मैं यही आप सबका हालचाल जाने, राहत कार्यों की समीक्षा करने, बाढ़ का सर्वेक्षण करने के लिए मैं निकला हूँ। आप सब इस आपदा से बहुत शीघ्र मुक्त हों, आप स्वस्थ रहें, आपके परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहें, पर्व और त्योहारों की तैयारी पूरे उत्साह उमंग के साथ कर सके, इसके लिए आप सबके प्रति अपनी शुभकामना व्यक्त करते हुए सभी जनप्रतिनिधियों को, जिला प्रशासन को, इस पूरी व्यवस्था में जुड़े हुए सभी अधिकारी कर्मचारी जनप्रतिनिधि और जनता जनार्दन को इस पूरे अभियान के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।